राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जिन पंचायतों में चुनाव होने हैं वहां चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। बात सिरमौर जिला की करें तो यहां पर 2 प्रधान पद, 1 उप प्रधान पद व 6 वार्ड पंचों के लिए पंचायत उपचुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व DC सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि सिरमौर जिला में पछाड़ ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी ब्लॉक में पंचायती उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई तिथियों के मुताबिक 25 से 27 जुलाई तक नामांकन दर्ज होंगे, जबकि 28 जुलाई को दर्ज नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। वहीं 30 जुलाई को इच्छुक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। DC ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए यह आवश्यकता अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पंचायती राज चुनाव का जो हमारा यहाँ पे जिला सिरमौर में हो रहा है, उसमें 9 पोस्टें जो है खाली, पद खाली हैं और ये 6 ब्लॉक्स में किया जा रहा है। पछाड़ को छोड़ के सभी ब्लॉक्स में कोई ना कोई जो उसमें पद रिक्त था, जैसे कि पौंटा साहब में बद्रीपुर पंचायत और मुगलावाला करतारपुर पंचायत में प्रधान और उपप्रधान का चुनाव हो रहा है। राजगढ़ में थैना सोत्री में जो है प्रधान का है। तलोरधार में जो 3 पंचायतें हमारी उसमें 8 सदस्यों के हैं। संगड़ाह में जो है वो टिकरी साकना में जो है वो 8 सदस्य का है। पंडान में, क्यारी में भी 8 सदस्य का है और शिलाई में भी 8 सदस्य का है। तो इसके लिए जो है वो जो नॉमिनेशन पेपर है जो डिटेल है उसमें 25-26 को भरे जाएंगे और 30 तारीख को जो विड्रॉल की इसमें डेट रखी गई है और फिर इलेक्शन जो है 10 अगस्त को उसमें होगा। तो इसके लिए जो वो पूरी तैयारियाँ हमारी की जा चुकी हैं और इसमें ARO वगैरह जो है वो अपॉइंट किए जा चुके हैं, RO भी अपॉइंट किए जा चुके हैं और इसमें जो है वो सारे उचित प्रबंध जितने भी करने थे हमने इसमें बच्चे कर लिए हैं।